डॉक्टर भारती जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हीं की पहल पर ये जो विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावे उपस्थित गणमान्य शिक्षक, छात्र छात्राएं, आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी के साथ थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर जाना चाहते हैं। ये यद्यपि इसके बारे में विस्तारपूर्वक लोग बताएंगे, तथापि कम से कम 1994 तक हमको जाना होगा। इसमें 1997 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह नहीं कीजिएगा, सन 1997 ईस्वी में आईलो में प्रस्ताव संख्या 107 के तहत 1997 ईस्वी में आईलो में विश्व के आदिवासियों के हालात पर चर्चा की गई। उसके बाद फिर आपका आता है 9 अगस्त 1982 को यूएन के जो वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजेनस पॉपुलेशन है, उस पर प्रथम बार यूएनओ के द्वारा आदिवासियों के हालात पर चर्चा की गई। आप कुछ कहना चाहते हैं कोई? शांति बनाए रखेंगे। 1982 के बाद 1989 को आईएलओ ने प्रस्ताव संख्या 169 के अंतर्गत विश्व के आदिवासियों की स्थिति में सुधार के लिए संकल्प जारी किया। उसके बाद 23 दिसंबर 1994 ईस्वी को जनरल असेंबली के द्वारा 1995 से लेकर 2004 तक इसको प्रथम आदिवासी दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 20 दिसंबर 2004 को द्वितीय आदिवासी दशक दिवस मनाने का निर्णय जनरल असेंबली के द्वारा लिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी की स्थितियों को सुधारने के लिए जनजाति आयोग है, आर्टिकल 244(1) है, जिसको पांचवी अनुसूची कहते हैं, जिसके तहत जो शेड्यूल स्टेट हैं उसमें TAC ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान किया गया है, और ये विशेष कानून है। साथ ही साथ जमीन बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। संथाल परगना की जमीन बचाने के लिए आपको SPT एक्ट 1949 है, ये विशेष कानून है आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए। इसके अतिरिक्त जो सामान्य कानून है, जैसे पहले था बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, तो इसमें भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति में इनको प्राथमिकता मिले, नामांकन में या दाखिला में भी इन वर्गों के लोगों को दाखिला मिले, तो ये सुनिश्चित किया गया है। तो ये प्रादेशिक कानून भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद में राष्ट्रीय और प्रादेशिक कानून होने के बावजूद आखिर कहाँ गलती हो रही है? क्या आदिवासी खुद अपने आप को सुधारने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए चिंतित नहीं है क्या? या न्यायपालिका नियम तो बना दिया है, अनेक प्रकार के अधिनियम और कानून बने, आयोग बने, लेकिन क्या कार्यपालिका जो नियम प्रावधान है उनके हित में उसको लागू करने में कोताही बरतते हैं? या मीडिया के लोगों की क्या भूमिका है आदिवासियों के प्रति? तो इन चीज़ों पर हम आपका बहुमूल्य विचार चाहते हैं कि इतने कानून होने के बावजूद कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इनकी क्या भूमिका है कि आदिवासी अभी तक तरक्की के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं? आपसे बहुमूल्य सुझाव चाहते हैं और बहुमूल्य सुझाव के साथ विचार भी चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 9 अगस्त 1994 से पूरे विश्व में आदिवासी विश्व दिवस का आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सब लोगों को
धन्यवाद।